आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम यानी जमींदारी सिस्टम की, क्योंकि लाया जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में। देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में ये 1793 में सिस्टम को लाया गया, 1793 में इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। अब इसके फीचर्स क्या हैं, ये क्या सिस्टम था उसे समझते हैं। सबसे पहले तो देखने वाली बात ये है कि ये जो सिस्टम है बेसिकली लाया क्या गया, कहाँ गया था। सो ये लाया गया था इस एरिया में जिसे आप जानते हैं कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद अनेक्स किया गया था उस एरिया में, रिवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए लाया गया था। हमें पता है कि दीवानी राइट्स मिल चुके थे, यानी कि लैंड रिवेन्यू को कलेक्ट करने के राइट्स मिल चुके थे आफ्टर ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद ऑफ 1764 की ये बैटल है। उसके बाद ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद होती है एंड ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद से दीवानी राइट्स मिल चुके हैं बिहार, उड़ीसा एंड बंगाल एंड इस एरिया के। इसी वजह से यहाँ पर ये रेवेन्यू सिस्टम को लेकर आया गया। उसे अब इस सिस्टम में है क्या वो हम जानते हैं। देखिए, कॉर्नवालिस कौन थे? कॉर्नवालिस खुद एक लैंडलॉर्ड थे ब्रिटेन में। कॉर्नवालिस खुद एक जमींदार घराने से आते थे एंड उन्हें लगता था कि भाई देखो, अगर हम लैंडलॉर्ड्स को या जमींदार्स को रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार दे दें, उन्हें मालिकाना हक दे दें, तो वो उस लैंड में इन्वेस्ट करेंगे, वो उस लैंड में यहाँ पर फर्दर इम्प्रूवमेंट लेकर आएंगे। सो एक अच्छी सोच के साथ जमींदारी सिस्टम को लेकर आया गया बाय कॉर्नवालिस। इसका एरिया मैंने आपको बताया, बिहार, बंगाल, उड़ीसा एंड बनारस वाला जो एरिया था उसमें इसे लाया गया। अब इसके फीचर्स क्या हैं? सबसे पहला फीचर इसमें यही है कि आपने यहाँ पे प्रोप्राइटरी राइट्स दे दिए जमींदार को, यानी कि जमींदारों को आपने मालिक बना दिया, राइट। सो जमींदार को आपने क्या बना दिया? मालिक बना दिया, मालिकाना हक यहाँ पर आपने दे दिया जमींदार को। अब होगा ये कि जो भी जमीन है, मान लीजिए अगर उसे आपने 200 गांव या 100 विलेजेस दे दिए, तो उन 100 विलेजेस में जो भी जमीन आएगी, उन सबका मालिक कौन हो गया? उन सबका मालिक हो गया ये जमींदार। एंड जितने भी यहाँ पर काम करने वाले किसान थे या जो पेजेंट्स थे, जो काम एक्चुअल में काम कर रहे हैं, वो अब जो है वो टेनेंट कल्टीवेटर्स बनकर रह गए। और जो जमींदार है जिसे आपने यहाँ पर मालिकाना हक दे दिया, राइट, वो जो है अब ऑनर बन के रह जाएगा, वो ऑनर हो जाएगा, राइट। सो ये है जमींदारी सिस्टम। अब इसमें क्या हुआ? इसमें हुआ ये कि परमानेंट रेट्स आपने यहाँ पे एस्टेब्लिश कर दिए। यहाँ पर आपने क्या कहा, गवर्नमेंट कहती है कि भाई देखो, हमें ये जितना एरिया है इससे फिक्स्ड रेवेन्यू चाहिए। आप जितना भी यहाँ पर कलेक्ट कर रहे हो उसका 10/11 यानी कि इतना पार्ट, या आप 9/10 पार्ट हमें रखो एंड बाकी का हिस्सा खुद रखो। मान लीजिए आप यहाँ पर 100 रुपए कलेक्ट कर रहे हो एक गांव से, उस गांव के जो 100 रुपए टोटल कलेक्ट कर रहे हो उसका 9/10 किसको जाएगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे दो एंड 1/10 जो है वो किसको जाएगा? जमींदार को जाएगा। सो पहली बात तो ये कि आपने यहाँ पर रेवेन्यू का रेट जो है वो परमानेंटली फिक्स कर दिया, उसे फिक्स कर दिया, यानी कि सारी उम्र यहाँ पर रेवेन्यू का रेट यही रहेगा। मान लीजिए एक एकड़ में अगर लेट से 100 किलोग्राम्स ऑफ फसल हो रही है, तो उसका 50% या 60% जो भी रेट रहेगा वो फिक्स कर दिया आपने उस एरिया के लिए। उस फिक्स्ड अमाउंट में से भी आपने क्या कह दिया, उस फिक्स्ड अमाउंट में से भी आपने यहाँ पर 9/10 जो है वो ब्रिटिशर्स के लिए बांध दिया एंड 1/10 जो है वो जमींदार के लिए छोड़ दिया। यानी कि अगर 100 रुपए आपने कलेक्ट किए तो 9/10 यानी कि 90 रुपए आप जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे दोगे एंड 10 रुपए जो है आप खुद रख लोगे। इसे कहा गया परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, क्योंकि यहाँ पर रेवेन्यू रेट जो है वो अब हो गए हैं परमानेंट। आगे जमींदार गॉट द राइट टू सीज द प्रॉपर्टी ऑफ टेनेंट कल्टीवेटर। अब क्योंकि उस जमीन का जो मालिकाना हक है वो जमींदार को दे दिया गया, वहां पर जो पेजेंट्स थे, अब वो मैंने कहा कि टेनेंट कल्टीवेटर बन गए। अब जमींदार अपनी मर्जी से उन टेनेंट कल्टीवेटर्स को निकाल सकता है। बेसिकली कहा तो इसमें ये क्या था कि भाई जमींदार उन टेनेंट कल्टीवेटर्स के साथ भी फर्दर कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा,
पट्टा सिस्टम हम आज भी सुनते हैं। तो कहा तो यही गया था कि भाई जमींदार भी अपनी मर्जी से निकाल नहीं सकता है, वो यू नो कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा एंड लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स रहा करेंगे। पर ना तो पेजेंट को उन कागजों का पता है, ना ही पेजेंट उन कागजों को पढ़ सकता है, एंड जमींदार भी उस चीज का बेनिफिट उठा रहे हैं, एंड जमींदार भी उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रहे हैं। सो अल्टीमेटली यहाँ पर पिस कौन रहा है, किसकी एक्सप्लोइटेशन हो रही है? पेजेंट्स की, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट्स जो करने चाहिए थे अदरवाइज वो नहीं किए जा रहे हैं, एंड जमींदार इन टेनेंट कल्टिवेटर्स को कभी भी एक्सपेल कर रहे हैं। इसकी शॉर्टकमिंग्स और हम बात करें तो रेवेन्यू रेट्स जो थे वो बहुत ही ज्यादा हाई, जैसे कि मैंने कहा कि 50-60% पे आपने रेवेन्यू रेट रख दिया। फिर एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म, एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म का मतलब क्या होता है कि जमींदार खुद बैठा है शहर में, वो कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा। एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म में मतलब क्या कि जमींदार खुद बैठा है शहर में, अर्बन एरियाज में, एंड जो गांव में क्या हो रहा है उसे पता ही नहीं। गांव में से सिर्फ वो आता है तब जब उसे टैक्स वसूलना होता है, अदरवाइज कभी चाहे वहां पे बरसात आए या गांव में फसल खराब हो मौसम की वजह से या किसी भी वजह से, जमींदार का उससे कोई लेना देना नहीं है। जमींदार उससे बिल्कुल कंप्लीटली कट ऑफ है, अनकंसर्न्ड है। दूसरी बात, यहाँ पर सबलेटिंग का सिस्टम शुरू हो गया। सबलेटिंग मतलब क्या, जमींदार ने क्या किया, जमींदार ने फर्दर, ये मान लीजिए जमींदार है, इसने फर्दर छोटे छोटे जमींदारों को यहाँ पर कह दिया, सबलेटिंग कर दिया, कह दिया कि भाई देखो मुझे यहाँ पर 100 रुपए चाहिए इस जमीन से, राइट, मुझे यहाँ पर 100 रुपए चाहिए, उस 100 में से 90 ये क्या करेगा, उस 100 में से 90 गवर्नमेंट को भेजेगा, 10 अपने पास रखेगा, राइट, एंड इनको बोल दिया कि बाकी जो तुम मर्जी करो, मुझे 100 रुपए लाके दो। अब ये फर्दर एक्सप्लोइटेशन करेंगे, ये यहाँ से कितने निकालने की कोशिश करेंगे, कम से कम 110 निकालने की कोशिश करेंगे अपना शेयर, उससे ज्यादा भी निकालने करेंगे, राइट, सो लाइक दैट। फिर जमींदार डिड नॉट डू एनीथिंग और दे डिड नथिंग टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द लैंड, जो सबसे पहला पॉइंट था कि भाई जमींदार से ये उम्मीद की जा रही थी कि ये पैसा इन्वेस्ट करेगा जमीन की कंडीशन सुधारने के लिए, ऐसा भी इन्होंने कुछ नहीं किया, एंड अल्टीमेटली लॉस टू गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ पर रेवेन्यू रेट्स को फिक्स कर दिया था। यहाँ पे गवर्नमेंट ने रेवेन्यू रेट्स कह दिया कि भाई 50% चाहिए, आज का 50% मान लीजिए उन्होंने फिक्स कर दिया, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा आ गई तो इन लॉन्ग टर्म में गवर्नमेंट को उतना ही मिल रहा है, गवर्नमेंट को यहाँ पे लॉस हो रहा है। गवर्नमेंट चाहती तो जब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा आ गई गवर्नमेंट उसे 50% या 60% कर सकती थी, 55% कर सकती थी, लेकिन अब वो गवर्नमेंट के हाथ में कहानी है ही नहीं, क्योंकि ये जो रेट्स हैं ये यू नो फिक्स्ड हैं फॉर परमानेंट पीरियड। एक आखिरी पॉइंट यहाँ पर हमें याद रखना है जो कि जमींदारों को भी चेक करने के लिए लाया गया था, दैट वाज सनसेट क्लॉज। ये एक पॉइंट था जो कि जमींदारों को चेक करने के लिए यहाँ पर लाया गया, इसे हम बोलते हैं सनसेट क्लॉज, सनसेट क्लॉज, राइट, सनसेट क्लॉज। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जमींदारों को एक ड्यू डेट दी जाती थी, अगर उस ड्यू डेट की इवनिंग से पहले ये रेवेन्यू को गवर्नमेंट को जमा नहीं करेंगे तो जमींदारी लूज कर देंगे, राइट। सो मान लीजिए 31 मार्च की ड्यू डेट दे दी, तो 31 मार्च शाम को सूरज ढलने से पहले जमींदार को जो रेवेन्यू गवर्नमेंट को जमा करवाना है वो करवाना पड़ेगा, अदरवाइज उसकी जमींदारी चली जाएगी। तो ये था जी परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, ये है जमींदारी सिस्टम जो कि हम पढ़ते हैं ब्रिटिश हिस्ट्री में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चहल एकेडमी का चैनल सब्सक्राइब करें, ऐसी ही और वीडियोस आपको वहां पर मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।